प्रयागराज से खबर, जहां पर मदरसे में नकली नोट छापे जाने का पर्दाफाश होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गई है। मदरसे पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है। जांच में और तथ्य आने पर मदरसे को सील भी किया जा सकता है। मदरसे के विदेशी और आतंकी कनेक्शन की आशंका को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी आरोपियों से पूछताछ कर सकती हैं। जामिया हबीबिया अवैध तरीके से बिना रजिस्ट्रेशन के चलाया जा रहा था। मदरसे में नकली नोट छापे जाने का खुलासा करते हुए मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल और 3 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। 100-100 रुपए के 1300 नकली नोट और इन्हें छापने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के अवैध तरीके से चलाया जा रहा था यह मदरसा। इस मामले में करीब 2 साल पहले ही जांच के बाद रिपोर्ट शासन को भेज दी गई थी। जामिया हबीबिया मदरसा सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं ले रहा था। प्रयागराज के बाद खबर गाजियाबाद से है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 करोड़ की घड़ी चोरी के केस का खुलासा हुआ है। 3 करोड़ की घड़ियां जो चोरी की गई थी, उसका खुलासा कर दिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस देगी जानकारी। शोरूम में हुई थी 3 करोड़ से ज्यादा महंगी कीमती घड़ियां। अब लीजिए, इस पर पुलिस ने खुलासा जो करना है वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा करने जा रही है पुलिस। वन विभाग की कोशिशें लगातार जारी हैं। ऑपरेशन नरभक्षी को अंजाम इस पूरे काम में इस वक्त लगे हुए हैं। कोलकाता से थर्मल ड्रोन टीम यहां पहुंची हुई है, जो रात के वक्त अपना काम शुरू करती है। भेड़िए जो हैं, इनकी पकड़ के लिए ये टीम्स जो हैं वो काम कर रही हैं। दबे आकर पहुंचा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या बच्चों की है। बच्चों के माता पिता ये भी बताते हैं कि ये भेड़िए दबे पैर आकर अपने तेज दांतों और पंजों से छोटे मासूम बच्चों को उठाकर ले जाते हैं। और इस वक्त की इसी खबर से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। एक भेड़िए को पकड़े जाने की खबर आ रही है। तो एक भेड़िया पकड़ लिया गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वन विभाग के जाल में फंस गया है ये भेड़िया। मैसी के सिसेया के कछार में पकड़ा गया है भेड़िया, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि एक नहीं कई भेड़िए हैं यहां पर, जो लोगों की जान में मुसीबत डाले हुए हैं। और एक और बड़ी अपडेट इस मामले में, एक नहीं अब 4 हो गई है भेड़ियों को पकड़े जाने की संख्या। देखिए, जो टीमों का गठन किया गया था, जो टीमें यहां पर काम कर रही थी, उन्होंने अपना सुपर एक्शन दिखा दिया है। और इस सुपर एक्शन के माध्यम से आप कह सकते हैं 4 भेड़िए जो ड्रोन से कैमरे में भी कैद हुए थे, उन 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है। हालांकि इस इलाके के जो MLA हैं, उन्होंने कहा था कि इनको मार गिराया जाना चाहिए, लेकिन समय रहते जो यहां पर और जवानों की तैनाती की गई, दूसरे राज्यों से जो मदद ली गई, उस मदद के माध्यम से आप कह सकते हैं कि जिंदा पकड़े गए हैं 4 भेड़िए। इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी अखिलेश देंगे, फोन लाइन पर मौजूद है। अखिलेश, ये तो बहुत बड़ी राहत की खबर है बहराइच वासियों के लिए, 4 भेड़िए पकड़े गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहराइच के महासी क्षेत्र जब भेड़िया का आतंक वाला जो क्षेत्र है महासी का, वहां पे ये बड़ी राहत बड़ी खबर है कि 4th भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। लगातार वन विभाग के कर्मचारी ये कहते रहे हैं, अधिकारी कहते रहे हैं कि ये 6 भेड़ियों का झुंड था और 3 को पहले पकड़ा गया था, लेकिन बाकी 3 भेड़िए जो है वो नहीं पकड़े जा रहे थे। और लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है पिछले 1.5 हफ्तों से, और ये कामयाबी मिली है कि 4th भेड़िया भी पकड़ लिया गया है। अब कुल मिला के 2 भेड़िए ऐसे हैं जो अभी वन विभाग के पहुंच से दूर हैं, लेकिन जल्द ही जो टीमें बनाई गई हैं वो सर्च अभियान चला रही हैं, और जल्द ही जो 2 भेड़िए बचे उनको भी पकड़ लिया जाएगा। जी ठीक है, जो और राज्यों से जो यहाँ पर मदद मांगी गई है और जो यहाँ पर टीमें पहुंची हुई है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए, अब बचे हुए भेड़ियों को पकड़ने के लिए क्या एक्शन लिया जा रहा है और कितने और भेड़िए हो सकते हैं, एक बार फिर से विस्तार से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनको पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया है, जिन्होंने यहाँ पर रहने वाले लोगों के नाक में दम कर रखा है। देखिए, अब यूपी की जो टीम मंडलीय टीम है वो लगी थी, यूपी के कुछ अधिकारी भी जो लखनऊ से आए थे, और अब महाराष्ट्र की भी टीम आई है। और एक बड़ी अपडेट ये भी बता दूं कि अब भेड़िए को पकड़ने की जगह टैंकुलाइज करने का भी एक लिखित आया है जिला प्रशासन के पास, उनको भेड़िया कहीं दिखाई पड़ता है
आइडेंटिफाई किया, उनको बेहोश किया जाए, उनको पकड़ा जाए। एक लेटर आया है, तो आप ये जो दूसरे राज्यों से लोग आए हैं और जो टीमें बनाई गई हैं, ड्रोन लगातार उड़ाए जा रहे हैं, 15 टीमें बनी हैं, अलग अलग जगहों पे तैनात हैं महासी इलाकों में, और ड्रोन के माध्यम से उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये उपलब्धि उसी के तहत है कि आज चौथा भेड़िया भी इसमें कैद हुआ है। तो लगातार तस्वीरें भी आ रही हैं कि ड्रोन चूंकि अच्छी तकनीक के हैं, उनमें इंफ्रा रेड जो कैमरे हैं वो भी लगे हुए हैं, चूंकि रात में भी इनको दिखाई पड़ता है, तो लगातार मॉनिटरिंग चल रही है। और जो वन विभाग की 15 टीमें हैं अलग अलग जगह लगाई गई हैं, तो वो कामयाबी उनको मिलती नजर आ रही है कि चौथा भेड़िया आज उनके पिंजरे में कैद हुआ है। ठीक है अखिलेश कुमार, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो लीजिए, सफलता हाथ लग गई है, चार भेड़िए बताए जा रहे हैं जो कड़ी मशक्कत के बाद अब सुरक्षा बलों के हाथ में चढ़ चुके हैं। फिलहाल